नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्निक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि यदि हमारे घर के अंदर जो दीवार है, यानी कि घर की छत को या फिर दीवार को या फिर पूरा घर को, वहां पर सभी पूरे घर के अंदर करंट आ रहा है, तो फिर उसको हम सही कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो और आपके घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि दीवारों के अंदर जो करंट आ रहा है, लेकिन तभी भी आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आपके घर के अंदर हो सकती है। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस वजह से जो फॉल्ट हो रहा है, जो दीवारों के अंदर करंट आ रहा है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो दीवार के अंदर करंट आ रहा है, इसका मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। उस वीडियो के अंदर मैंने एक के बाद पूरे टॉपिक के साथ मैंने उसमें समझाया है, यानी कि उस वीडियो का आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर फॉल्ट होगा, तभी ये पूरे घर के अंदर करंट आ रहा है। लेकिन आप सभी फॉल्ट आपने खोज लिए, और घर यदि आपका, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं, यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको घर पे दूसरों के घर पे काम करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आप पूरे घर के अंदर, घर बहुत बड़ा है और पूरे घर के अंदर आपने खोज लिया कि कहीं पे भी आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा है कि कहाँ से करंट आ रहा है। जो पहला फॉल्ट है वो तो आपको मालूम ही होगा, जो पंखा जहाँ पर शॉर्ट होता है, यानी कि सीलिंग फैन शॉर्ट होता है, तभी घर के अंदर करंट आता है, यानी कि 90% तक वही फॉल्ट होता है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपके एमसीबी लगी हुई है, यानी कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो एमसीबी लगी हुई है, उसके अंदर क्या करना है कि इसका जो इनपुट है उसको तो कुछ भी नहीं करना है, उसको एमसीबी को ट्रिप कर दीजिए, और ऊपर जो इसका आउटपुट है उसका जो इधर का वायर है वो इस इधर कर दीजिए, यानी कि इधर का इधर डाल दीजिए और जो इधर का इधर डाल दीजिए, यानी कि ऐसा है तो भी इसको घुमा के ऐसा कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसका जो फेज है वो घूम जाएगा और जो करंट आ रहा है वो 90% तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपके जो ये एमसीबी है, इसकी जगह आपने जो इंडिकेटर वाला मेन स्विच आता है वो भी हो सकता है, तो फिर ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।